हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रियर फैमिली ब्लॉग्स। आज दिन है फ्राइडे और डेट होगा मेरे ख्याल से 18 तारीख होगा। फ्राइडे है तो 18 तारीख है और मुझे पूरा याद भी नहीं रहता है। कल सैटरडे है और फिर संडे को करवा चौथ है, तो मेरा भी साफ सफाई शुरू हो रहा है। तो आज से शुरू मेरा सुबह से ही हो गया वैसे तो, क्योंकि उधर मेरा एक रूम है जहाँ पहले किचन था उसमें रहता है एक्स्ट्रा का जो सामान आता है, पूरा घर का एक्स्ट्रा सामान, जो दुकान का या घर का बड़ा बड़ा बर्तन हुआ, अलमारी हुआ, बहुत सारा सामान कढ़ाई हुआ, क्या दुकान का बहुत सारा सामान है, घर का भी है, उसी में रहता है। सबसे ज़्यादा गंदा वही होता है तो उसी को सुबह सुबह मैंने साफ़ कर दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ किचन का ऊपर का डिब्बा साफ करके रख देती हूँ, किचन का सफाई करूँगी मैं करवा चौथ के बाद, क्योंकि पहले तो करने का सोच, आज बाई चांस कर भी लेती मैं तो होगा नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा होगा 10:30 बजे का, इसमें पूरा दिन लग जाएगा अगर करने लगूंगी तो, पूरा दिन लगेगा। तो सोच रही थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, थोड़ा आज इसे डिब्बा उब्बा साफ करके रख दूँगी। हालांकि करवा भी दिया मैंने, कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था, थोड़ा बहुत साफ टंकी उंकी करवा के रख दिया, डिब्बा साफ करवा के रख दिया था, थोड़ा अपने से करती हूँ, थोड़ा दीदी से करवाते, हालांकि मैं दीदी से करवाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उनका अपना काम रहता है, इसलिए मैं उनसे बहुत करवाती हूँ, उनसे कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करूँगी। आज इनको साफ करवा दूँगी, वैसे ज़्यादा गंदा तो रहता नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादातर साफ होते रहता है, तो उतना गंदा नहीं रहता। फिर भी अगर धुआ के रख दूँगी और फिर किचन जिस दिन साफ करूँगी उस दिन कपड़ा लगा देंगे तो उतना काम नहीं पड़ेगा। आप फ्रिज साफ कर दूँगी आज, फ्रिज को और साफ कर दूँगी, देना उसको क्या मांगेगा, फ्रिज साफ कर दूँगी तो फ्रिज भी फिर बाद में रख में करती हूँ, तो वो काम भी करना जरूरी है, और जो रूम का सफाई है वो करवा चौथ के बाद भी शुरू करूँगी। ज़्यादातर तो मेन तो है तो चार दिन का, उसके बाद थोड़ा बहुत होते रहता है कभी अलमारी कभी फ्रिज, हालांकि देखती हूँ कल एक अलमारी भी कर दूँगी। शुरू शुरू में छोटा से शुरू करूँगी फिर बड़ा से होगा, क्योंकि उस लड़के का 2 दिन का छुट्टी है और सामान घर में जैसे राशन का जो सामान आता है वो मंगाना शुरू कर दिया है। तो टंकी साफ वगैरह किया तो इसी में रखूँगी। मैंने डिब्बा भी मंगवाया है, सैमसंग जो डिब्बा आता है वो भी मंगवाया है, तो वो भी मेरा कल निपटा जा रहेगा, डिब्बा खाली करो, धूप में लगाओ इसको, ऐसे धूप में लगाऊंगी, हालांकि साफ रख दो, ये मैंने कल साफ करवा दिया। एक्स्ट्रा का जो भी सामान रहता है मैं ज़्यादातर पन्नी में छोड़ देती हूँ, खुला डिब्बा में नहीं डालती हूँ, जो भी डिब्बा में है सब पन्नी में है। एक्स्ट्रा का चाय पत्ती है, चाय पत्ती का डिब्बा अलग से है, जो एक्स्ट्रा का रहता है वो अलग रखती हूँ, तो वो मैंने पन्नी में छोड़ दिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ, एक साथ में पूरा नहीं निकालती हूँ, क्योंकि बाद में अच्छा नहीं रहता, इसका टेस्ट चेंज हो जाता है खुला रहता है तब, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके निकालती हूँ। आधा डिब्बा तो मैंने पहले से ही खाली करके रख लिया था, क्योंकि एक दो डिब्बा है जो साफ़ कराया था उसको भी मैं फिर से साफ़ करूँगी, क्योंकि एक बार करने के लिए बैठ जाओ तो फिर मन नहीं मानता है। पहले दिन जो साफ कराया वो भी मैं साफ़ करने के लिए निकाल लूँगी। आधा डिब्बा तो मैंने अपने से निकाल लिया, आधा डिब्बा फिर लकी ने निकाल दिया था, लगभग सब सफाई ऊपर का हो गया था, जो भी था मसालदानी भी लास्ट में फिर लकी ने निकाल दिया था, साफ़ हो गया था। Thank you.
अलमारी के अंदर जो डिब्बा है वो भी निकाल दूँगी साफ़ करने के लिए। हालांकि इसमें डिब्बा बहुत कम रहता है, इसमें बड़ा बड़ा सामान रहता है जैसे मशीन हुआ, मिक्सी हुआ, यही सब रहता है, पानी गर्म करने का केतली जो आता है वो भी है, यही बड़ा बड़ा सामान रहता है, छोटा सामान नहीं रहता है। तो वो तो जिस दिन सफाई करूँगी उस दिन निकालूंगी, क्योंकि उस पर कपड़ा लगाना है। अब मिक्सी है तो उसको मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि पानी के साथ इसको लेके नहीं बैठूँगी, नहीं तो इसमें पानी गिरने का डर रहता है। यहाँ लक्की मेरा पूरा हेल्प करवा रहा है, हालांकि मेरे यहाँ दोनों बच्चों को काम करने का शौक़ रहता है, कोई काम में पीछे नहीं रहता है, हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लक्की मेरे साथ लगा हुआ है, पीयूष है तो वो बाहर में अपना पंखा साफ़ कर रहा है, क्योंकि स्टैंड फैन जो है दोनों साफ़ करने के लिए निकाल लिया है। अब पूरा खोल के फिर साफ़ करेगा तो उसमें भी टाइम लगेगा। नाश्ता भी किसी का हुआ नहीं है, हालांकि बना के मैंने रख दिया, जब भूख लगेगा तब सब कोई कर लेंगे, पहले नाश्ता करने के बाद काम नहीं होता है, इसीलिए मैं बाद में ही करती हूँ। काम रहता है तो भूख भी नहीं लगता है, ना बच्चों को भूख लगा ना मुझे भूख लगा है। इसको जब मैंने मंगवाया था तो मुझे बहुत शौक चढ़ता था कि इसी से मैं सब्ज़ी काटूंगी। ज़्यादातर इसका यूज नहीं हुआ है, क्योंकि मंगवाए इसको 3-4 साल हो गया लगभग। कोई कोई ऐसा सामान है इसमें जिसका यूज होता है, जैसे कद्दूकस करने के लिए यूज होता है या फिर चिप्स काटने वाला यूज होता है, इसके अलावा बहुत कम यूज होता है। इसको मैं हर साल ऐसे ही साफ़ करके रखती हूँ, अंदर में रख देती हूँ, दोबारा निकालती हूँ, दोबारा साफ़ करके रख देती हूँ। अब इसको धो के रख दूँगी, क्योंकि कपड़ा तो हमेशा ऊपर लगाते हैं पर धोना तो केवल दीपावली में होता है। हालांकि ये हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साफ़ करने में, क्योंकि बाद में बड़ा बड़ा सामान जो रहेगा उस पर केवल कपड़ा लगाना रहता है या फिर किचन को धोने का रहेगा, मतलब कि ऊपर ऊपर का हो जाएगा तो नीचे का ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि अभी नहीं करूँगी, करवा चौथ के बाद ही करूँगी, क्योंकि मुझे कोई काम करवाना है इसमें, तो उसी के लिए जैसे जिसे करवाना है वो मिल नहीं रहे हैं, पहले से बोला हुआ है पर अभी उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखती हूँ मंडे तक अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो मुझे सफाई करना ही है, तो वो तो दीपावली के बाद ही फिर होगा। पर मेरा कोशिश यही है कि मैं इसी समय करवा लूँ, क्योंकि बाद में नहीं हो पाता है, एक बार सफाई करने के बाद पूरा सामान बाहर निकालूँ वो नहीं हो पाता है। अब बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत दिन से मतलब कि हो रहा है कि आ जाएंगे कल आएंगे, हो नहीं रहा है। नहीं तो मेरा कोशिश यही था कि मैं नवरात्रि में ही सफाई कर लेती, अगर केवल सफाई करने का रहता तो। उन्हीं के इंतज़ार में इतना लेट हो गया है, अगर पहले काम हो जाता तो उतना लेट नहीं हो पाता, पर अब तो फिर मुझे मंडे से करना ही होगा, अगर मंडे को आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर करना ही होगा। आज जो राशन का सामान जो आया हुआ है वही टंकी में करके रख दूँगी, क्योंकि डिब्बा में फिर बाद में करूँगी। आज धूप भी नहीं है, अगर धूप होता तो मैं थोड़ा बहुत सामान धूप में लगा देती, पर धूप नहीं है बाहर में। आजकल का मौसम ऐसा ही हो रहा है, पूरा ठंड जैसा मौसम पूरा आ गया है, सुबह सुबह तो पूरा ओस रहता है, धूप अगर आता भी है तो उतना तेज़ नहीं आता, हल्का फुल्का धूप आता है। अगर तेज़ धूप होता है तो उसी में इसको लगाऊंगी, पापड़ चिप्स यही रखा हुआ है पहले से जो रखा हुआ है, इसी को मैं इस बाल्टी में कर दूंगी, क्योंकि सब डिब्बा को तो मैं साफ़ करने के लिए निकाल दूंगी। ये साफ़ किया हुआ है, इसको कपड़ा से मैंने पोंछ दिया, फिर इसमें निकाल दूंगी, फिर जब इसको फ्राई करेंगे दीपावली में तब इसको धूप में लगा देंगे। अगर धूप बीच में आएगा तो पहले भी लगा दूंगी, पर धूप आ ही नहीं रहा इन दिनों। किचन का सब सामान बाहर निकाल दूंगी साफ करने के लिए, उसके बाद मैं फ्रिज का सफाई करूंगी, क्योंकि फ्रिज का भी जो बर्तन निकलेगा उसको भी एक साथ साफ़ कर दूंगी, तो बार बार नहीं बैठना पड़ेगा। एक तेल का बोतल में अभी तेल भरा हुआ है तो उसको तो नहीं निकाल सकती, ये खाली है तो इसको निकाल दूंगी, उसका जब खाली होगा तब निकाल दूंगी। हालांकि ये सब साफ़ होते रहता है, जैसे हफ्ता 10 दिन में जब भी तेल ख़त्म होता है तो इसको साफ़ करके फिर दूसरा डालते हैं, पर फिर भी एक बार करना ज़रूरी है। फ्रिज का सामान पहले बार निकाल दूंगी, क्योंकि फ्रिज पहले मैंने बंद नहीं किया है। हालांकि घी नहीं निकालूंगी, अभी मलाई हुआ नहीं है, घी दीपावली के 1-2 दिन पहले निकालूंगी, क्योंकि दीपावली में घी का जरूरी रहता है, तो अभी नहीं निकालूंगी, तो अभी केवल फ्रिज साफ़ कर दूंगी। हालांकि फ्रिज भी उतना गंदा नहीं हुआ, पूरा साफ़ है, अभी देख रहे हैं कि पूरा भरा हुआ है। जब इसको साफ़ करने के बाद फिर से मैं सामान लगाऊंगी तब पूरा खाली खाली लगेगा। पिछले साल दीपावली में मैंने फ्रिज का कवर नया लगाया है, अब तक तो ये पूरा फट भी गया, हालांकि बहुत काम में आता है, बहुत सारा सामान रहता है जो फ्रिज का कवर में जो साइड में रहता है पॉकेट उसी में रख देते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से सब कोई रखते होंगे, फ्रिज में सामान रखने का आदत सबका रहता है।
फ्रिज का सब सामान निकाल के मैंने यहीं रख लिया, जो जो दोबारा से रखने का ज़रूरी है। अब वो सारा ऐसा भी है जो इसमें रखने का ज़रूरी नहीं है, वो निकाल के मैंने अलग कर दिया है। कि कभी कभार ऐसा भी होता है रख के भूल जाते हैं, ऐसा सामान भी रहता है। हालांकि सब्ज़ी मंगवा के अभी रखा हुआ नहीं है, तो सब्ज़ी वाला डलिया पूरा खाली है, उसको भी साथ में साफ़ कर दूँगी, नहीं तो बहुत कम ये हो पाता है। अब बर्फ़ भी उतना ज़्यादा नहीं जमा हुआ है, मैं अभी तुरंत साफ़ कर दूँगी तो बर्फ़ भी पूरा निकल जाएगा। पहले फ्रिज को धोऊँगी अच्छे से, उसके बाद बरामदा धुलेगा, तो यहीं फिर मैं बर्तन भी साफ़ कर दूँगी बरामदा में बैठ के। ज़्यादातर तो मैं आंगन में बैठ के करती हूँ, क्योंकि वहीं साफ़ करने के बाद धूप में लगा देते हैं, पर आज धूप तो है नहीं, इसलिए मैं यहीं कर लूँगी। फिर डलिया में रख देंगे, तुरंत सूखेगा नहीं, उसको सूखने के लिए टाइम लगेगा, पर तुरंत सामान मुझे उसमें भरना भी नहीं है। धूप अगर आएगा तो धूप में बाद में लगा देंगे, अभी धूप नहीं है। पहले फ्रिज में पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं सर्फ़ डाल के साफ़ कर दूँगी। हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं फ्रिज को साफ़ करते रहती हूँ, और जब भी साफ़ करती हूँ तो ऐसे ही धोती हूँ। कपड़ा लगा के बहुत कम होता है जो कपड़ा लगा करते हैं। अब ठंड का मौसम आ रहा है तो उसमें केवल कपड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी फ्रिज साफ़ होता है तो बरामदा धोना पड़ता है। बीच का बरामदा है तो उसको ज़्यादा देर गीला रख नहीं सकते हैं। अभी तो फिर भी है कि करना ज़रूरी है, इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो अभी आगे ठंड आएगा तो फिर ज़्यादातर कपड़ा ही लगेगा, धोना नहीं होगा। पूरा फ्रिज पे मैंने पानी डाल दिया है, पहले नहीं डालते थे क्योंकि पहले मशीन बाहर रहता था, अब पूरा पेक रहता है तो उतना डर नहीं रहता है। हालांकि लाइट पूरा बंद कर दिया, तार मैंने निकाल दिया है। अब पानी डाल के अच्छे से सब डाल के धोने से साइड में जो काला काला हो जाता है वो नहीं होता है, बहुतों का ही शिकायत रहता है। मेरी बहन ही बोलती है कि मेरे यहाँ फ्रिज में काला काला रहता है, जो ये रबड़ लगा हुआ है गेट में उसमें, पर मेरा फ्रिज में बिल्कुल नहीं, पूरा नया नया रहता है, वाइट अंदर से तो पूरा वाइट वाइट रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है। धोने से ये फ़ायदा है, पोछने से कितना भी हम अच्छे से पोछेंगे पर उतना साफ़ नहीं हो पाता, जितना धोने से अच्छे से हो जाता उतना पोछने से नहीं हो पाता है। मैं जब धो देती हूँ तो मुझे अच्छे से संतुष्टि हो जाता है, अगर पोछ देती हूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं होता है। फिर हफ्ता 10 दिन से दोबारा से मुझे धोना ही पड़ता है, कितना भी साफ रहता फिर भी धोना पड़ता है। अब धो दिया तो मुझे संतुष्टि हो गया है, अब उतना जल्दी गंदा नहीं होगा। करवा चौथ से पहले पहले छोटा छोटा ये सब काम कर दूँगी तो बाद में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। यहाँ देखिए पूरा बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिया है, लक्की अभी भी निकाल रहा है, मेरा पूरा हेल्प करवा रहा है। मैं अगर सर्फ से धो के दूंगी तो ये फिर पानी से निकाल देगा, 2 बाल्टी में लगकर पानी भर के रख रहा है, एक साइड टब भर लिया है। हालांकि अपने से जब काम करते हैं तो बहुत अच्छे से हो पाता है, कितना भी दूसरे से करवाते हैं तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, मजबूरी में करवाना पड़ता है, वो दूसरा चीज़ है। मैं अपने से करती हूँ तो मुझे संतुष्टि होता है, पर जब नहीं कर पाती हूँ फिर दीदी को देना ही पड़ता है। हालांकि बहुत कम देती हूँ मैं उनको, ये सब काम मैं अपने से ही करवाती हूँ। हालांकि अभी आ गई है, वो अपना काम कर रही है, उन्होंने आते ही बोला भी है कि भाभी आपने क्यों किया है, मैं कर देती, पर उतना अच्छे से नहीं कर पाती है क्योंकि उनको हड़बड़ी रहता है सब जगह जाने का, तो जितना अपने से मैं कर रही हूँ उतना वो नहीं कर पाती है।
मैंने पहले आधा डिब्बा ही निकाला था, पूरा नहीं निकाला था। जब मैं साफ़ करने के लिए बैठी हूँ तो धीरे धीरे करके लकी को से मतलब सब डिब्बा मैंने निकलवा लिया है। लकी ये सब काम कर देता है। मैंने मसालदानी का डिब्बा निकाला नहीं था, मैं सोच रही थी कि बाद में कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो हो जाएगा। पर फिर लकी को बोला तो लकी ने पूरा मसाला निकाल दिया, कटोरी में सब मसाला निकाल के छोड़ दिया, सब मसालदानी पूरा निकाल के, क्योंकि मेरा मसालदानी जो है उसमें डिब्बी बहुत ज़्यादा है तो उतना ही कटोरी भी उसमें लगा हुआ है। हालांकि मसाला डालना मैंने पहले से ही बंद कर दिया था, पर थोड़ा थोड़ा मसाला तो अभी भी उसमें है, तो सबका अलग अलग करके निकाल के रख देगा। हालांकि मैंने स्टील वाला नया मसालेदानी ले लिया है तो उसमें मैं मसाला डालूंगी, पर पहले इसी में डाल के रखूंगी, उसको बाद में यूज करूंगी जब किचन का सफाई हो जाएगा, उसके बाद उसको निकालूंगी। अब बहुत दिन से मैंने सामान इकट्ठा किया किचन के लिए, बहुत सारा सामान है जो मैंने इकट्ठा किया। फ्रिज का कवर भी मैंने मंगवा लिया है। धीरे धीरे दीपावली में मैं पहले से मंगवा के रखती हूँ, फिर नया नया सामान लगाते हैं तो अच्छा लगता है। अब मुझे किचन का सामान लेने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, किचन सजाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, उसी के लिए इतना इंतज़ार भी किया है मैंने, तभी जाके इतना लेट भी हो गया, नहीं तो मेरा सफाई कब का हो जाता। पर इतने दिनों से जिस काम के लिए मैंने इंतज़ार किया है वो काम मेरा अभी भी नहीं हुआ है, आगे भी शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। दीपावली के बाद ही होगा, दीपावली के बाद मुझे कहीं जाना भी है, शादी भी है, तो उसे मैं करवा नहीं पाऊँगी। अब देखूँगी कब होगा, अभी हो जाता तो हो जाता, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ है। मैं और लक्की यहाँ लगे हुए हैं, फिर उसे अपना बाहर में पंखा साफ करा है, हालांकि बहुत देर से वो भी लगा हुआ है क्योंकि उसने पूरा पंखा खोल लिया है। मैंने उसके पापा को बोला भी है कि आप देख लीजिए सही किया है कि नहीं, फिर दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगी साफ़ पूरा होने के बाद कितना अच्छे से साफ़ किया है, कितना अच्छे से पूरा सेट भी कर दिया है। खोलने का भी दिखाऊंगी क्योंकि वो बाहर में कर रहा है, पर उसका वीडियो मैं कल डालूंगी, लंबा खूब हो गया था इसलिए दो पार्ट में करना पड़ा। इस वीडियो का यहीं एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।